रहे हैं अभी कक्षा दसवीं में हिंदी और हिंदी का भी पढ़ रहे हैं गद्य खंड पाठ 11 बाल गोविंद भगत। क्या पढ़ रहे हैं हम? बाल गोविंद भगत गद्य खंड का पाठ 11। इसके लेखक है राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी। हम देखते हैं अभी इनका जीवन परिचय रचनाएं। ये है राम वृक्ष बैनीपुरी जी का छाया चित्र। इनका जन्म हुआ था सन 1902 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? बैनीपुर। बैनीपुर जो मुजफ्फरपुर में है। और आपके पिता का नाम था फूलवंत सिंह और आपकी मृत्यु हुई थी सन 1968 ईस्वी में। आपको संस्कृत अंग्रेजी और उर्दू भाषा का ज्ञान था। तो राम वृक्ष बैनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में बिहार में स्थित मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में स्थित मुजफ्फरपुर के एक छोटे से बैनीपुर गांव में हुआ था। आपके पिता फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे और बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया और इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मौसी ने ले ली और प्रारंभिक शिक्षा बैनीपुरी जी की हुई और बाद में शिक्षा लेने वे ननिहाल में गए और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पहले 1920 में इन्होंने अपना अध्ययन छोड़ दिया और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बाद में हिंदी साहित्य के में विशारद की परीक्षा पास करने के बाद राष्ट्रीय सेवा के साथ साथ साहित्य टीवी साधना करते रहे और इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। साहित्य की ओर इनकी रुचि कब हुई? रामचरितमानस के अध्ययन से हुई और 15 वर्ष की आयु में ही यह पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। जब यह 15 वर्ष के थे तब ही बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। अब है रचनाएं बैनीपुरी जी की। तो बैनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिमा के लेखक थे। इन्होंने कहानी उपन्यास नाटक रेखा चित्र यात्रा विवरण संस्मरण निबंध आदि गद्य की सभी प्रचलित विधाओं में साहित्य की रचना की और राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने अपने संगठनात्मक और प्रचारात्मक कार्यों द्वारा हिंदी तथा जनता की बड़ी सेवा। इनका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है और पूरा साहित्य बैनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और बैनीपुरी जी की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पतितों के देश में, यह एक उपन्यास विधा पर आधारित है। चिंता के फूल जो एक कहानी विधा पर आधारित है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र। अम्बपाली नाटक है। गेहूं और गुलाब जो एक निबंध और रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत। जंजीरों की दीवारें जो संस्मरण है आदि इन्होंने रचनाएं लिखी। राम वृक्ष बैनीपुरी जी की भाषा शैली देखते हैं तो शब्द शिल्पी बैनीपुरी जी की शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है और खासकर रेखा चित्रों में। भाषा की सरलता सरसता और शैली में प्रवाह की दृष्टि से हिंदी के विशिष्ट शैलीकार हैं राम वृक्ष बैनीपुरी जी। शब्दों के जादूगर भी कहा जाता है बैनीपुरी जी को। तो शब्दों के तो ये जादूगर है ही, साथ ही साथ छोटे छोटे चुटीले या चुटकुले वाक्यों के शब्दों का
सटीक प्रयोग इनकी निजी विशेषताएं हैं। इनकी भाषा शैली रेखा चित्रों, संस्मरणों और गद्य गीतों के विशेष अनुरूप है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि बाल गोविंद भगत पाठ का सार क्या है या पाठ का सारांश क्या है। तो बाल गोविंद भगत एक मंझोले छोटे कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? मंझोले कद के। कौन थे? बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे आदमी थे और उनकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे क्योंकि वो उम्र के इस पड़ाव पर थे, 60 साल के थे, तो जाहिर है उनके बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की भांति कनपटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। वह माथे पर टीका लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनका एक बेटा और एक पतोहू थे, मतलब उनका एक बेटा और एक बहू थी। वे कबीर साहब को मानते थे, किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और ना ही बिना वजह कभी झगड़ा या लड़ाई करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी, और साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी कुछ उनको उपज होती थी उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से वह अपनी गुजर बसर करते थे। कबीर के पद का मधुर गायन भी करते थे। कबीरदास जी के पद का गायन भी करते थे और असाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता था तब बाल गोविंद जी पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते थे। कब करते थे? जब समूचा गांव असाढ़ के दिनों में खेतों में काम कर रहा तब बाल गोविंद जी कीचड़ में लपेटे रोपनी करते रहते थे और अपने गानों को गाते थे कि काम भी करते जा रहे और कबीर जी के पदों का गायन भी करते जाते थे। भादो मास की अंधियारी में उनकी खजरी बजती थी, तब सारा संसार सोया होता और उनका संगीत जागता था। जब रात हो जाती थी, जब सभी सो जाते थे, तब वह अपना गायन गाते थे और कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी और वे सुबह नदी में बहुत सुबह उठकर नदी में स्नान करने जाते, लौटकर पोखर से ऊंचे भिड़ों पर अपनी खंजरी को लेकर बैठ जाते थे और अपना गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्षक देखा गया तब जिस दिन उनका इकलौता बेटा बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। कब देखा गया था? जब उनका बड़ा बेटा मर गया और उस बेटे की उन्होंने क्या करी थी? बहुत सी उत्साह से, बड़े ही शौक से अपने बेटे की शादी कराई थी। उनकी बहू कैसी थी? बहुत ही सुशील थी और उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से उसको ढक दिया था और उस पर कुछ फूल भी बिखरा दिए थे। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है मरने के बाद और ये आनंद की बात है, उन्होंने बेटे की चिता को आ
चिता को आग भी बहु से ही दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई बहु के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह करने का आदेश भी बहु के भाई को दे दिया। बहु जाना तो नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। किनकी सेवा? बाल गोविंद की सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उसकी एक ना चली। उन्होंने दलील, अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने बहू से बोला कि अगर तुम अपने भाई के साथ नहीं गई और दूसरी शादी नहीं करी तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते और गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर घर में ही खाते थे, बाकी दिन उपवास करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत उनकी खराब हो चुकी थी, किंतु वे नियम व्रत छोड़ने वाले ना थे। बड़ी पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस नहीं हुए और एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी को ने गीत नहीं सुना और जाकर देखा तो पता चला कि अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे कि इसमें जो जो कठिन शब्द आए हैं उनको। मंझोला, जो ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, बीच का सामान्य। फिर है कमली जटाजुट, मतलब कंबल। फिर है खामखा, मतलब अनावश्यक। रोपनी, धान की रोपाई। कलेवा, सवेरे का कलेवा, या आजकल इसको नाश्ता भी बोलते हैं, कलेवा ना बोल के नाश्ता। पुरताई, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। मेड़, खेत के किनारे मिट्टी के जो छोटे छोटे से ढेर बना देते हैं, ऊंची लंबी, जो खेत को घेर लेती है, या आग। अधरतिया, मतलब आधी रात। झिल्ली, झिंगू। दादूर, मेंढक। खंडरी, धपली के साथ ढंग का, किंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्यंत्र, जो खंजरी वो बजाते थे। फिर निस्तब्धता, मतलब सन्नाटा। पोखर, तालाब। तेरना, सुरीला अलापना। आवृत, ढका हुआ। श्रम बिंदु, परिश्रम के कारण आई पसीने की बूंदे या पसीना। साझा, संध्या के समय किया जाने वाला भजन। संझा, फिर करताल, एक प्रकार का वाद्य। सुभंग, सुंदर। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। मोटा, काम बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला। फिर संबल, मतलब सहारा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत बेटा और पतोहू से युक्त परिवार में रहते थे और वह उनका क्या काम था? खेती बाड़ी का काम था। उनका घर साफ सुथरा मकान था और वे गृहस्थ थे। गृहस्थ होते हुए भी बस उनका जो व्यवहार था, उनका आचरण था, वह साधुओं के जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें साफ सुथरी कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे और वे किसी दूसरे की वस्तु को छूते भी नहीं थे और बिना पूछे उसका प्रयोग नहीं करते थे। वह किसी से बिना मतलब झगड़ा नहीं करते थे और साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में देते थे और उसके बाद वहां से उनको कबीरपंथी मठ से जो उनको मिलता था प्रसाद रूप में,
उसी से निर्वाह भी करते थे। अब है प्रश्न दूसरा कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु अकेले उनको क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उत्तर है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अकेले हो गए थे और वह वृद्ध भी हो गए थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य का जरा भी परवाह नहीं करते और वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी, वह उनकी सेवा करना चाहती थी, इसीलिए अपना जीवन वो बाल गोविंद के साथ बिताना चाहती थी कि यह इतने वृद्ध हो गए, इनकी मैं सेवा करना चाहती हूँ। फिर है कि भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। तो भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया, वे मृत बेटे के सामने क्या कर रहे थे, मस्ती में तल्लीन कबीर के पद गाते रहे। वे मनुष्य मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय वह खुश हो रहे थे और वे अपनी पुत्र वधु को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। वे कह रहे थे कि मृत्यु से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यहाँ मातम नहीं, यहाँ पर उत्सव मनाना चाहिए। अब है आगे का प्रश्न कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी उम्र 60 वर्ष थी, उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगा रहा था, कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर एक कनपटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की माला पहनते थे, उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था, सर्दियों में वे काली कमली या कंबल ओढ़े रहते थे। फिर है प्रश्न बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी क्यों। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कौतूहल और अचरज का कारण थी क्योंकि वे बहुत ही सादे थे, वे सादगी से रहते थे, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे, वह दिखावा नहीं करते थे कोई, बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे बाल गोविंद जी। उनके पास जो भी था वह अपना काम उसी से चला लिया करते थे, वे किसी भी वस्तु को बिना पूछे उपयोग में न लाते थे, किसी दूसरे का सामान है तो उपयोग ही नहीं करते थे, अगर बहुत जरूरी है तो वह पूछकर उपयोग करते थे। इस नियम का वे बहुत बारीकी से पालन करते थे, दूसरों के खेत में शौच के लिए भी कभी न बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों में भी भोर में खुले में आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना गाते थे। जब सुबह सुबह इतनी ठंड रहती थी तो वह क्या करते थे, ऊपर पोखर पे बैठ जाते थे और वहाँ पर खुले आसमान में वो सिर्फ एक कंबल ढके रहते थे और क्या करते थे, वहाँ पर बैठकर कबीर जी के गायन गाते थे। उससे पहले दो कोस जाकर गंगा नदी में स्नान करने जैसे कार्य लोगों को आश्चर्य का कारण था। क्या करते थे, पहले गए गंगा जी में स्नान करने जो दो कोस थी, सुबह सुबह ठंड में जिससे कपकपा देने वाली ठंड में जाके स्नान करना, फिर ऊपर टीले पे जाके बैठ जाना और वहाँ पर जाके कबीर जी के का गायन करना क्योंकि वो कबीर जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। इससे उनकी जो दिनचर्या थी वह लोगों में कौतूहल का कारण बनी थी, अचरज का कारण बनी थी। तो बच्चों ये आप अपनी कॉपियों में नोट करेंगे, लिखेंगे और अच्छे से इन सबको याद करेंगे।